नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल DR Expert Knowledge में। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। दोस्तों, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, आपने देखा होगा लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपने आईडी में नाम के आगे DRX शब्द का यूज़ करते हैं। आखिर ये DRX है क्या? लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्या यह लगाना उचित है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं के बारे में बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों, मैं हूँ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल DR Expert Knowledge। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब एक मेडिकल स्टूडेंट MBBS, BAMS, VHMS इत्यादि की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो उसको अधिकार मिल जाता है अपने नाम के आगे DR लगाने का, जहां DR का मतलब होता है डॉक्टर। ठीक उसी प्रकार जब कोई मेडिकल स्टूडेंट बी फार्मा, डी फार्मा या फिर एम फार्मा की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो उसे भी अधिकार मिलना चाहिए अपने नाम से पहले कुछ उपसर्ग लगाने का। जबकि PCI मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया। अब दोस्तों, मेडिकल की पढ़ाई तो दोनों लोगों ने की है, अधिकार भी दोनों लोगों को समान मिलना चाहिए। किसी ने बड़ी डिग्री ली है तो किसी ने छोटी डिग्री ली है, डिग्रियाँ तो दोनों के पास है और पढ़ाई भी मेडिकल की है तो दोनों को अधिकार मिलना चाहिए अपने नाम के आगे कुछ उपसर्ग लगाने का। और इन्हीं अधिकार को प्राप्त करने के लिए सभी फार्मासिस्ट अपने नाम से पहले DRX उपसर्ग लिखने का फैसला लिए। और ये फैसला तब से लिया गया जब से मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने फार्मेसी एक्ट 2015 के तहत सारे फार्मासिस्ट को नैदानिक फार्मेसी अभ्यास करने की अनुमति दी थी। मतलब इसका ये है कि फार्मासिस्ट भी अपना क्लिनिक खोलकर उपचार कर सकता है। यहाँ पर DRX का मतलब है ड्रग एक्सपर्ट, यानी दवा का विशेषज्ञ। कुछ लोग अपने नाम से पहले RPH भी लगा रखे हैं, जहाँ R का मतलब रजिस्टर्ड और PH का मतलब फार्मासिस्ट होता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।